जनपद पौड़ी के थलीसैंड विकासखंड के दो युवा चारधाम की पैदल यात्रा पर निकल पड़े हैं। ये युवा 34 दिन की पैदल यात्रा कर बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने से पहले वहां पहुंचकर दर्शन करेंगे। इनमें से एक युवक पहले भी दो धाम की पैदल पदयात्रा कर चुका है, जबकि दूसरा युवक पहली बार चारधाम की पदयात्रा के लिए निकला है। भक्ति राजेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि जिस तरह से आज का युवा सोशल मीडिया और फोन के पीछे भाग रहा है, भगवान और भक्ति से दूर हो रहा है, तो वो पदयात्रा के माध्यम से ऐसे युवाओं को भगवान से जोड़ने की प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा कि पैदल पदयात्रा का मकसद प्रदेश में लगातार आ रही आपदाओं के निस्तारण के लिए भी भगवान से मन्नत मांगना है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। बाकी यात्रा की बात कर रहे हैं अभी आप लोग और हम यात्रा पे चल रहे हैं। मेरा मानना यह है कि आज की जनरेशन कोई एक काम नहीं कर रही, तो हर एक बच्चा भाई जो हमें देख रहा है या तो इस चैनल के माध्यम से, न्यूज टीवी के माध्यम से हमें देख रहा है, तो एक बार ही ना पैदल यात्रा का एक्सपीरियंस जरूर ले कि कैसी यात्रा होती है, कैसा होता है, क्योंकि गाड़ी घोड़े से हर कोई कर रहा है आज के दौरान। इस दौरान हर किसी के पास बहुत पैसा है, सब लोग गाड़ी घोड़े से यात्रा करते हैं। पैदल जाने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ देखता है आदमी, नए लोगों से मिलना, नई जगह पर रहना, नए नए नज़ारे देखना, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि पैदल यात्रा में मिलते हैं। तो एक बार आप भी जरूर कीजिएगा। तो कल से हमारी जो यात्रा स्टार्ट हुई है, कल से मतलब मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है भाई के साथ। भाई ने पहले भी दो धाम पूरे किए हैं, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो बस यही बोलना चाहता हूँ कि अगर इस साल हमारे अच्छे से दर्शन हुए, तो बाबा से बस यही उपन कामना कि अगली बार भी हम जरूर दर्शन करें। बाकी हमारा कोई नहीं है, और मैं यही बोलूँगा कि उत्तराखंड के जो अभी हालात चल रहे हैं, जिस हालात में चल रहे हैं, जो मतलब कहीं पर ग्लेशियर, कहीं पर कुछ बड़े गलत मतलब ऐसे हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं, ये ना हो। बाबा से बस यही सिर्फ आ रहा है कि ऐसे दोबारा हो ना हो।